गुड आफ्टरनून मेरे छोटे सिरों, मैं रोहित आपका GDAG फैमिली में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज का जो टॉपिक है, आज हम आपके लिए 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं स्ट्रेटेजी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है आपका, निम्नलिखित में से भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? देखिए, ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी अमृत सेन, ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए, भारत रत्न की स्थापना बेटे भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 को होती है। 1954 में तीन लोगों को भारत रत्न मिला, एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, और बेटे सर सीवी रमन को, ठीक। 1954 में इसकी स्थापना होती है। सबसे पहले मतलब तीन लोगों को मिला, एस राधाकृष्णन, सी राघोपालाचारी और सर सीवी रमन को। देखिए, सर सीवी रमन को 1930 में इन्हें फिजिक्स का नोबेल मिलता है, नोबेल प्राइज। ठीक है। अब देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को 1930 में इनकी बुक थी गीतांजलि, उसके लिए इन्हें बेटे साहित्य में नोबेल मिला। अमृत सेन को 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल मिला,1999 में इन्हें भारत रत्न मिला। अगला, अब तक अगर पूछा जाए, अब तक कितने लोगों को भारत रत्न मिला है? 48 लोगों को। अगर मरणोपरांत की बात की जाए, मरणोपरांत तो 15 लोगों को मिला है, ठीक। अगर यह बोला जाए मरणोपरांत सबसे पहले किसे मिला है, लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में इन्हें भारत रत्न सबसे पहले मरणोपरांत मिला। अब देखिए, इसमें अगर हम बात करते हैं प्रथम महिला जिसे भारत रत्न मिला, इंदिरा गांधी को 1971 में, ठीक। अगर हम बात करते हैं
प्रथम खिलाड़ी, प्रथम खिलाड़ी जिसे भारत रत्न मिला, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर को 2014 में। ठीक, देखिए एक बार दोबारा से देख लीजिए। भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 में होती है। 1954 में तीन लोगों को मिलता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सी राघोपालाचारी और सर सीवी रमन को। सर सीवी रमन को 1930 का फिजिक्स का नोबेल मिलता है, इन्हें नोबेल प्राइज। और प्रथम महिला कौन है, इंदिरा गांधी, जिसे भारत रत्न मिला 1971 में। रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए, इनका जो बुक थी है नोबेल है, उसके लिए इन्हें साहित्य में नोबेल प्राइज मिला। अमृत सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल मिला और 1999 में भारत रत्न मिला। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन फर्स्ट उपराष्ट्रपति और सेकंड ये इंडिया के कौन हुए, राष्ट्रपति। ठीक, अगर हम बात करते हैं इसमें बोर्ड कहां से आएगा सर, चलिए इरे कर देते हैं एक बार इसे। अगर हम बात करते हैं किन दो विदेशियों को, किन दो विदेशियों को भारत रत्न मिला, किन दो विदेशियों को भारत रत्न मिला बेटे, को भारत रत्न मिला, भारत रत्न मिला। देखिए 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, और 1990 में नेल्सन मंडेला। देखिए दो ऐसे विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न मिला, 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को और 1990 में नेल्सन मंडेला को। देख लीजिए एक बार, चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए आप सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देखिए प्रथम राज्यपाल, महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू, जानते हैं इनके बारे में सभी। देखिए सुचेता कृपलानी प्रथम मुख्यमंत्री, भारत की प्रथम मुख्यमंत्री भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री बेटे, मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और किस स्टेट की थी, यूपी की।
सरोजिनी नायडू राज्यपाल प्रथम किसकी थी? उत्तर प्रदेश की। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत की प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब देखिए बेटा, सरोजिनी नायडू, अगर इनके बारे में बात की जाए, ये प्रथम 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 महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। 1925 में कानपुर अधिवेशन कानपुर अधिवेशन ठीक है बेटा। अगर ये बात की पूछा जाए, प्रथम महिला अध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष, प्रथम महिला राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष थी बेटे एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता अधिवेशन, ठीक है। प्रथम महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। अगर ये पूछा जाए, प्रथम महिला राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 कोलकाता अधिवेशन में, एनी बेसेंट आयरलैंड की थी, आयरलैंड की कैपिटल डबलिन और इसकी करेंसी है यूरो, जो यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत से कौन सा देश स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? देखिए इसमें ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी मालदीव। देखिए इसमें भारत 7 देशों से स्थलीय सीमा साझा करता है, 7 देशों से स्थलीय सीमा साझा करता है। देखिए कौन कौन से हैं, आपको पता भी होगी, बचपन में एमबीए किया। देखिए बात से बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, कितने देश हो गए इसमें? 4। छोड़ दो, मेरे को छोड़ देते हैं, मां से म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, कितने देशों से साझा करता है इंडिया स्थलीय सीमा? 7 देशों से। लेकिन सबसे लंबी सीमा, स्थलीय सीमा जो सबसे लंबी है बेटा, वो है बांग्लादेश से, 4096 किलोमीटर। और सबसे कम जो करता है साझा,
106 किलोमीटर अफगानिस्तान से, ठीक, म्यांमार से 1643 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा संविधान सभा ने कब अपनाया था? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 22 मार्च 1957 को, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 को। देखिए तिरंगे झंडे का डिजाइन किसने किया था? डिजाइन पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने। ठीक है। अगर हम ये पूछें आम आदमी को झंडा फहराने की अनुमति कब दी गई, आम आदमी को जो झंडा फहराने की अनुमति दी गई बेटे, वो दी गई है 2002 में। इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होता है वो 3:2 होता है, अगर और चौड़ाई और लंबाई का जो रेशियो होता है वो 2:3 होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई? देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई है वो 1973 में होती है, और प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत होती है, वो 1992 में होती है। ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1992, ऑप्शन डी 1992 में। देखिए भारत का प्रथम हाथी अस्पताल कहाँ स्थापित किया गया बेटे? मथुरा यूपी में। भारत का प्रथम हाथी अस्पताल मथुरा यूपी में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से नागालैंड की राजधानी कहां है? देखिए इसमें ऑप्शन ए इम्फाल, ऑप्शन बी कोयमा, ऑप्शन सी ईटानगर, ऑप्शन डी हैदराबाद। नागालैंड कोयमा। देखिए नागालैंड की राजधानी है कोयमा। इसकी जो राजभाषा है, अंग्रेजी। इसका जो फेमस त्यौहार, प्रसिद्ध त्यौहार है जो, हॉर्नबिल। कौन से बेटे? हॉर्नबिल। नागालैंड एक ऐसा मात्र राज्य है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज, इसकी जो है राजभाषा है वो है अंग्रेजी। मणिपुर की कैपिटल
इम्फाल, नागालैंड, कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर और तेलंगाना, तेलंगाना हैदराबाद। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी वाखड़ा बांध, ऑप्शन सी नागल बांध, ऑप्शन डी टेहरी डैम। देखिए, भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है टेहरी डैम, 265 मीटर, सॉरी 260 मीटर, और ये भागीरथी नदी पर है, भागीरथी उत्तराखंड, भागीरथी उत्तराखंड। ये भार, ये वर्ल्ड का टेहरी डैम वर्ल्ड का वारवां, वर्ल्ड का वारवां सबसे ऊंचा बांध है। हीराकुंड डैम, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड डैम किस नदी पर है? महानदी, महानदी उड़ीसा, महानदी उड़ीसा में। भाखड़ा नागल बांध सतलुज, सतलुज रिवर पर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध उत्तराखंड से है? ऑप्शन ए गढ़वाली, ऑप्शन बी यक्षगान, ऑप्शन सी धमाल, ऑप्शन डी नौटंकी। ऑप्शन ए गढ़वाली, यक्षगान कर्नाटक, धमाल हरियाणा और नौटंकी उत्तर प्रदेश, नौटंकी उत्तर प्रदेश। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से गंगा नदी भारत के किस प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। देखिए, भारत की सबसे बड़ी नदी नदी गंगा, इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। अगर हम इसकी सहायक नदी की बात करते हैं, सहायक नदी, सहायक नदी यमुना, यमुना रिवर, यमुना नदी। ठीक है, जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। अब देखिए, गंगा नदी उद्गम स्थल, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल बेटे गंगोत्री पर्वत से, गंगोत्री पर्वत से निकलती हैं ये
जहां पे अलकनंदा और भागीरथी आंखें मिलती हैं देवप्रयाग में, वहां से इन्हें बोला जाता है गंगा। गंगा नदी भारत के पांच राज्यों से होकर निकलती है। पांच राज्यों से निकलती हैं। ठीक, वो राज्य हैं आपके उत्तर प्रदेश, पहले शुरू जहां से निकलते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी नहीं निकलती हैं, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। हाँ एक बार और, गंगा को साफ करने के लिए एक योजना चलाई गई थी नमामि गंगे 2014 में, उस टाइम जो मंत्री थी उमा भारती द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 40। विश्व विरासत स्थलों की संख्या ऑप्शन डी 40। अगर पहला प्रथम पूछा जाए तो बेटा है अजंता गुफा महाराष्ट्र में, प्रथम पूछा जाए तो अजंता गुफा महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा यूनेस्को जो धरोहर हैं वो कितनी है? 5। और 40वीं है बेटा धौलावीरा गुजरात में, धौलावीरा गुजरात। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है? कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है? देखिए ऑप्शन ए बुर्जिला दर्रा, ऑप्शन बी पीर पंजाल दर्रा, ऑप्शन सी बनिहाल दर्रा, ऑप्शन डी सिपकीला दर्रा। देखिए ये तीनों दर्रे जम्मू कश्मीर में है, और सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश। कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी सिपकीला दर्रा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहां है? देखिए ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी करनाल। ऑप्शन बी देहरादून। देखिए कटक में चावल अनुसंधान केंद्र, देखिए चावल अनुसंधान केंद्र अनुसंधान संस्थान। देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में, लखनऊ में औषधि अनुसंधान संस्थान, करनाल में बेटे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र अनुसंधान
अनुसंधान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ठीक, ऑप्शन बी देहरादून इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया? देखिए बेटा, प्रथम योगा डे कब मनाया गया? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2020, ऑप्शन डी 2022। देखिए इसमें योगा डे योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है बेटे, ठीक। लेकिन यहां पे पूछा गया योगा दिवस किस वर्ष मनाया गया प्रथम। अगर हम बात करते हैं 2014 में अनाउंसमेंट किया गया था इसका, योगा दिवस मनाने के लिए, लेकिन प्रथम कब मनाया गया? 2015 में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है? ऑप्शन ए थॉमस कप, ऑप्शन बी संतोष ट्रॉफी, ऑप्शन सी ओबेर कप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी संतोष ट्रॉफी। देखिए थॉमस कप और ओबेर कप ये दोनों बैडमिंटन से बेटे, ये बैडमिंटन से ठीक। इसमें देखिए थॉमस कप 2022 में बैंकॉक थाईलैंड, इंडिया ने पहली बार इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप जीता है 2022 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 1 दिसंबर, ऑप्शन डी 22 अप्रैल। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को जल दिवस, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस 5 जून, 1 दिसंबर एड्स डे। एड्स दिवस और 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? ऑप्शन ए 53, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 14। ऑप्शन ए 53। अगर हम 53वां टाइगर रिजर्व पूछें, टाइगर रिजर्व कौन सा बेटा?
रानीपुर टाइगर, रानीपुर टाइगर रिजर्व ये कहाँ पड़ता बेटा? चित्रकूट जिले में, चित्रकूट यूपी। ठीक, 15 सॉरी 75 रामसर साइट्स हैं, रामसर साइट्स। और बेटा ये धरोहर स्थल को द्वारा स्थल कितने हैं? 40। अगला क्वेश्चन है 18। निम्नलिखित में से अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? निम्नलिखित में से अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? ऑप्शन ए शूरा, ऑप्शन बी जाति संसद, ऑप्शन सी डाइट, ऑप्शन डी कांग्रेस। अफगानिस्तान की जो संसद है बेटा शूरा। अफगानिस्तान शूरा, जाति संसद बांग्लादेश, डाइट बेटा जापान, कांग्रेस अमेरिका। ठीक, अगला क्वेश्चन है 19। निम्नलिखित में से नवार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 2009। ऑप्शन सी 1982, 12 अप्रैल। अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय इसका कहाँ है? इसका मुंबई में, मुंबई। मुंबई मुंबई ठीक। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है ये आपका। निम्नलिखित में से 57वां, निम्नलिखित में से 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए दामोदर मौजा, ऑप्शन बी नीलमणि, ऑप्शन सी रामदरस मिश्र, ऑप्शन डी अस्कर वजाहत। ऑप्शन ए दामोदर मौजा को। देखिए ज्ञानपीठ की स्थापना होती है 1965 में, किस एरिया में दिया जाता है ये? साहित्य में, ठीक। सबसे पहले किसे मिला ये? जी शंकर कुरुप को। ठीक, आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। अब डेली आपको स्टेट जीके के 20 क्वेश्चन डेली मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।